बंगाल के बाद अब वाराणसी में आगामी 2022 चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में वाराणसी जिले में शहर उत्तरी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का एक अनोखा तरीका अपनाया है। वही उन्होंने अपने घर के बाहर ही दीवार पर उम्मीद की साइकिल 2022 में खेला हुई लिखवाया है, जो कि वहां से आने जाने वाले लोगों को चर्चा का विषय बना है। वहीं बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने बताया कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों बंगाल में चुनाव हुआ और पूरे देश ने देखा, वहाँ की जनता ने एक संदेश दिया और वही की नेता ममता बनर्जी ने एक स्लोगन दिया, खेला होबे। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने इस स्लोगन को पसंद किया और उसका मतलब भी समझ लिया और एक भारी जनादेश दिया। वहीं उसके पीछे जो मूल कारण थे कि जिस तरह से सन 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आई और देश के अंदर कैसा माहौल बना दिया, वहीं इस दौरान देश में एक महामारी आई, भारत में कोरोना काल का जिस तरह सरकार का मैनेजमेंट था वह पूरी तरह से फ्लॉप था। इसमें दवाओं का अभाव था, इसमें बड़ी मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कारण लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं इस दौरान महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल के साथ सरसों का तेल दाल के दाम सभी ट्रांसपोर्टिंग की वजह से महंगा हो गया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह से बंगाल में खेला होबे हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में 2022 में खेला हुई। देखिए, समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। इसलिए हमने ये बाहर दीवालों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों कोविड काल के दौरान लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों को दवा नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बड़े पैमाने पर जान गंवाना पड़ा। इसी दौरान महंगाई की मार आई देश के अंदर, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू दिया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल का दाम सबसे न्यूनतम मूल्य पर है। और इस विकट परिस्थिति में जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश को दो भागों में बांटने का काम किया, समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा किया, विकास का कार्य रोक दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा युक्त है, आप चलने लायक सड़कें नहीं हैं, बनारस में थोड़ी सी बारिश होती है ढेर सारा पानी लग जाता है, और ये जो कहते हैं वो करते नहीं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी कहती है वही करती है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, हमारे सपा के संरक्षक मुलायम सिंह के हम लोग सिपाही हैं, और अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनहित के सभी मुद्दों पर विफल है, जनता ये जान रही है कि सन 2012 से 17 तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा था, छात्रों नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, बुजुर्गों को विधवा पेंशन मिल रही थी, और जो हमारी बहनें हैं शादी के लिए इनको शादी अनुदान मिल रहा था, नौजवान छात्रों को लैपटॉप मिल रहा था, इन योजनाओं को जनता याद कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश यादव जी ने, आज पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, जनता इसको याद कर रही है। इन्हीं के बलबूते सन 2022 में हम लोग पुनः सरकार में आएंगे। खेला होई का शब्द आपने यहाँ सुना है, क्या इसका पूरा क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से सन 2021 में बंगाल में खेला होबे वहाँ प्रचलित हुआ था, उसी तरीके से बहुत सारी बातों का उसमें मिसाल मिलती है। इसलिए जनता को बहुत कुछ बहुत कम शब्दों में ढेर सारी बात बताना है। उत्तर प्रदेश के अंदर खेला होई, ये स्लोगन के साथ हम लोग सन 2022। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।